पंचकुला में एसीपी विजय नेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन यानी कि विभाग में पुरुष कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया के तहत ताऊ देवीलाल स्टेडियम में फिजिकल टेस्ट के दौरान असल उम्मीदवार के स्थान पर दूसरे व्यक्तियों के खड़े होने यानी कि इस मामले को देखते हुए तीसरा जो आरोपी है वो भी गिरफ्तार किया गया है और ऐसे में दो आरोपी पहले भी गिरफ्तार किए गए हैं। जिसके संबंध में भी पिछले कुछ दिनों में ही जो है फिजिकल यानी जो भागदौड़ का जो टेस्ट था वो संपन्न हुआ है और अभी कागजात की जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है उनकी चल रही है। उसके संबंध में माननीय आयोग द्वारा कुछ ऐसे अभ्यर्थियों को जो है पकड़ा गया, चिन्हित किया गया है जो किन्हीं दूसरे व्यक्तियों के जगह पे भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, तो उनके विरुद्ध मुकदमा कायम कर दिया गया। कम से कम तीन आदमियों को इसमें जो है अरेस्ट फॉर्मली कर चुके हैं।